पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि के साथ साथ बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहा पर महानगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा मत्थे पर गैस सिलेंडर ठेले पर मोटरसाइकिल रखकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि लोगों को ऐसा दृश्य इसीलिए दिखाया जा रहा है कि लोगों को समझ आए कि दाम बढ़ते जा रहे हैं और केंद्र सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि मोदी जी के पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में मूल्य वृद्धि बढ़ने के साथ साथ गैस डीजल के दामों में बढ़ोतरी के चलते हम लोग जनता के बीच मिठाई बांट रहे हैं और उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे और वह अच्छे दिन अब आ चुके हैं। इसलिए हम लोग घूम घूम कर चौराहों पर प्रदर्शन के दौरान लोगों को मिठाई बांटकर जनता को समझा रहे हैं कि खुश कैसे रहना चाहिए। वही कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के समय खाद्य पदार्थों का दाम कम था, आज वही खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। उन तमाम लोगों को सोचना होगा कि आने वाले होली के वक्त अगर इसी तरह से महंगाई चरम सीमा पर रही तो होली फीकी ना पड़ जाए। आते हुए पेट्रोलियम पदार्थों गैस के मूल्यों में वृद्धि और साथ ही साथ बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ महानगर कांग्रेस के द्वारा जो हमारे अध्यक्ष हैं माथावालम गुड्डू जी, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया है। लोगों को ये व्यंग्यात्मक लहजे में दिखाया गया है कि हम लोगों ने मोदी जी के पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य बढ़ाने के साथ साथ गैस के मूल्यों में डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी के चलते हम लोग जनता के बीच मिठाई बांटे हैं कि लीजिए आप लोग खुश रहिए कि भाई मोदी जी पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हैं, डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, गैस का दाम बढ़ा रहे हैं। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक कीजिए और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब कीजिए।